284 चिकित्सालय में कबीर कॉलोनी गणेशपुरा रोड की रहने वाली प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रसूता अंजू देवी महावर के परिजन सुबह 6 बजे प्रसव पीड़ा होने पर उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए थे, जिसकी दोपहर 1:30 बजे मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि सुबह 6 बजे सोनोग्राफी दिखाने के बाद भी डॉक्टरों ने ना तो महिला को इलाज ही दिया न ही जयपुर के लिए रेफर किया। प्रसूता की मौत होने के बाद डॉक्टरों ने जयपुर रेफर किया, लेकिन परिजनों के देखने पर प्रसूता मर चुकी थी। इस पर परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही करने की वजह से प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने जिला अस्पताल का मुख्य द्वार बंद कर विरोध जताया है। उनका कहना है कि इलाज में लापरवाही करने वाले चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके चलते मुख्य द्वार पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। मौके पर तहसीलदार सोनल मीना द्वारा मृतका के परिजनों को समझाइश की गई। मृतका के परिजनों ने लिखित में पुलिस को दोषी डॉक्टरों के खिलाफ परिवाद देकर जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। बताओ क्या मामला? ये मामला हुआ, मेरी बहू की कताई को सुनी, मेरी को सुनी को सुनी, मैंने हाथ जोड़ दिया, पग पकड़ लिया, बहन जी इसको संभालो, पहले संभालते नहीं है, बिल्कुल ही को संभाल। किसने नहीं सुनी? डॉक्टर ने बिल्कुल ही नहीं सुनी। अब क्या चाहते हो आप? अब यह चाहते हैं मेरी बहू कैसे गई, ना परवाई सु गई मेरी बहू। आज लगभग दोपहर के शाम में सूचना मिली थी कि जो राजकीय चिकित्सालय दोषा है वहाँ पर एक महिला की डेथ हो गई है, जिस पर आके यहाँ सीएससी पहुँचे, वहाँ परिजनों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे महिला अंजू के पेट में दर्द हुआ था, उसको इलाज हेतु यहाँ एडमिट करवाया गया था और इलाज के दौरान उसकी जो है यही अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का। FIR में परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इलाज के दौरान जो है लापरवाही हुई है, उस संबंध में जांच की जाएगी।